उनकी सोच, उनकी विजन, ये सभी कार्यक्रम जो है वो उसका प्रतिबिंब है। महिला सशक्तिकरण, महिला स्वावलंबिता, जैसा कि माननीय सचिव जी ने कहा, दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो हम उनके मार्गदर्शन के हम सभी यहाँ पर इच्छुक हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मंत्री जी श्री रविशंकर प्रसाद जी। ये सभी बुकलेट आप सभी को बाद में दे दी जाएंगी जब हमारा वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू ऑल ऑफ यू लेटर ड्यूरिंग द वीक। अच्छा रण दो, वो तो ले लेंगे बाद में, कहीं नहीं जा रहे, चल ले ले। आईटी विभाग के सचिव श्री राम सेवक शर्मा जी, त्यागी श्री राजेंद्र कुमार, देश के विभिन्न इलाकों से आई मेरी बहुत साक्षर बहने देवी और सचिव, मैं जब से इस मंच पे आया हूं तो मैं एक अजीब प्रकार का दृश्य देख रहा हूं। देश के कोने कोने से महिलाएं हैं, कुछ के सर पे पल्लू है लेकिन मोबाइल सबके हाथ में होता है। ये मैं एक नया हिंदुस्तान देख रहा हूं। ये एक वो हिंदुस्तान है जो इस बात को समझता है कि तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, और कभी कभी उनके बच्चों के खेलगाड़ी भी सुनाई पड़ती है। ये भी हिंदुस्तान, हम इसी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब मैंने विचार किया कि आप सबको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे सुनेंगे भी, तो आपकी उस क्षमता का सम्मान था जो आपने गांव गांव में करके दिखाया है। और आगे डिजिटल इंडिया की बात बहुत हो रही है बहनों, ये डिजिटल इंडिया क्या है? अभी वैजयंती बोल रही थी, बाकी हमारी धमतरी छत्तीसगढ़ की बहन बोली कामजानी तेलंगाना से बोली। वैजयंती ने क्या कहा? पहले कंप्यूटर को छूने से डर लगता था, कहीं हमसे गलती तो नहीं जाएगी। इसी को डर को खत्म करने का काम है डिजिटल इंडिया। कंप्यूटर से डरो मत, कंप्यूटर के साथ आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, और गांव गांव को आगे बढ़ाना है, गांव की बच्चियों को आगे बढ़ाना है, और देश का विकास करना है। ये कंप्यूटर से डर को खत्म करने का काम है डिजिटल इंडिया, क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो कंप्यूटर से दूर है, तकनीक से दूर है। बहुत से लोग हैं, एक में इंडियन मोबाइल, एक में डाटा कंप्यूटर, किसी के पास एक भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ये नहीं चलेगा, मैं चाहता हूं ये देश वो बने कि देश के हर के हाथ में मोबाइल हो और सरकार हथेली में मोबाइल के साथ उपस्थित हो, ये देश हम बनाना चाहते हैं। आप मानो इस देश की आबादी है 122 करोड़ या 123 करोड़, और इस देश में मोबाइल कितना है? 90 करोड़। आने वाले कुछ दिनों में हम 100 करोड़ मोबाइल पहुंच रहे हैं। ये मोबाइल एक ऐसी चीज है जिससे हम देश को बदल सकते हैं। इसीलिए इस बार के बजट में और आर्थिक सर्वे में हमने एक नए शब्द का प्रयोग किया, क्या था? जैम। जैम को अंग्रेजी में मीठा कहते हैं, लेकिन हम इससे कुछ मीठा निकालना चाहते हैं। क्या है जैम? जनधन आधार का अ और मोबाइल का म, ये है जान। अभी कविता बता रही थी कि उन्होंने क्या किया जनधन में। आपको मालूम है इस देश में हमारी सरकार ने तय किया कि गरीबों के पास बैंक में अकाउंट नहीं है, ऐसे कितने गरीब मालूम हुआ? ये संख्या लगभग 13-14 करोड़ की आई, 24% या 12 करोड़ का।
मोदी जी ने तय किया ये नहीं होगा। 15 अगस्त 2014 को अपने पहले लाल किले से भाषण में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा, और सिर्फ 100 दिन में यानी 3.5 महीना हम लोगों ने देश में 12 करोड़ अकाउंट खोल दिया, गरीबों का 12 करोड़। ने काम किया, बाकी लोगों ने भी काम किया, अच्छा काम किया। माई फ्रेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। माई फ्रेंड्स फ्रॉम केरला हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने पूछा ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है ये तो केंद्र में, तो राम सरोवर जी ने बताया कि कहीं इसका नाम वसुधा है, कहीं इसका नाम प्रज्ञा है, कहीं इसका नाम अक्षय है। केरला अच्छी बात है, नाम ऐसे होने चाहिए तो तुरंत जनता के बीच जा सकता है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए तो जनता के बीच पक्का हो। और तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 12 करोड़ जनधन का अकाउंट खुला, इसमें कोई जरूरत नहीं थी कि पैसा जमा करें, मोबाइल हो तो ठीक है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपको अकाउंट खुलेगा, 5,000 रुपये का रूपी कार्ड मिलेगा, 1,00,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 30,000 रुपये का एक्सीडेंट कवर। और समझ सकते हैं कि गरीबों को पैसा जमा करने की कोई पाबंदी नहीं थी, फिर भी उन गरीबों ने उन 12 करोड़ अकाउंट में 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया देकर 12,000 करोड़ रुपया जमा किया अपने अकाउंट में। अच्छी बात है, अब आप इंश्योरेंस कर रही हैं, अच्छी बात है, आप पेंशन की योजना ला रही हैं, अच्छी बात है, आप बैंकिंग कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे और यह अपेक्षा करूंगा कि आप हिंदुस्तान को बदलने वाली बहनें बने। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में मेरी वो कल्पना है कि हर बच्ची ये कहे कि मुझे वैजयंती बनना है, हर बच्ची ये कहे हमें तमजा का मॉडल बनना, हर बच्ची ये बने जो हमारी कश्मीर से बारामूला से बहन आई है, चाहे गोलियां चलती रहे पाकिस्तान से लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर चलेगा। हम एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, क्या आप ये पढ़ा सकती है जो दिशा की बात राम सरोवर जी ने की, डिजिटल लिटरेसी कर सकती है? मैं चाहता हूं कि जो बच्ची अभी वैजयंती की बात आपने सुनी, वो लिखना पढ़ना बहुत कम जानते हैं, लेकिन हिम्मत आई। और देखिए कॉमन सर्विस सेंटर क्या बदल रहा है, आज मैं इसे बात करना चाहता हूं। देश में बहुत चर्चा होती है महिलाओं की असुरक्षा की, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग महिला की असुरक्षा को लेकर हिंदुस्तान की बात कहते हैं, आज उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जाओ गांव में वैजयंती को देखो, वो कंप्यूटर के माउस पर रखकर एक नया हिंदुस्तान बना रही है, एक नई सरकार। हम हिंदुस्तान की एक तस्वीर भी लेना चाहते हैं, आप खूब बीमा करिए, खूब पेंशन लाइए। आपको मालूम है नए बजट में मोदी जी ने क्या क्या बातें कही, अगर कोई व्यक्ति साल में सिर्फ 12 रुपये जमा करे, सिर्फ 12 रुपये, तो उसका 2,00,000 रुपये का एक्सीडेंट कवर हो जाएगा। आप लोकप्रिय बने सिर्फ 12 रुपये साल, अगर उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई तो उसको 2,00,000 रुपये मिले। अगर कोई व्यक्ति साल में सिर्फ 330 रुपये जमा करता है, यानी एक दिन में 1 रुपये से भी कम, साल में 300 दिन होते हैं, और उसकी डेथ, और जब वो डेथ होती है नेचुरल तरीके से बीमारी से या वृद्धावस्था में, तो उसको 2,00,000 रुपये मिलेंगे। एक पेंशन योजना आई, क्या आप 1,000 रुपये जमा करें और 60 साल के बाद आप हर साल 5,000 रुपये पाएंगे, और आप नहीं है तो आपकी बीवी को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। मैं चाहता हूं ये सारी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं की जानकारी और जनता को बताना कि खर्चा इतने करते हो साल में, क्या 500 रुपये मिले, क्या साल में 330 रुपये मिल सकते हैं आपके बच्चों को। अभी ई कॉमर्स की बात की राम सरोवर जी ने, ई कॉमर्स क्या है?
ई कॉमर्स है कि आपको दुकान नहीं जाना पड़ेगा, आपने कंप्यूटर पर अपना बुकिंग कर दिया कि मुझे ये किताब चाहिए, मुझे टेलीफोन चाहिए, मुझे दवा चाहिए, मुझे सामान चाहिए, और ई कॉमर्स कंपनियां आपको सप्लाई करते हैं। आप मालूम है देश में ये कारोबार कितने का है? 70,000 करोड़ रुपए का। हिंदुस्तान में एक नई बात हुई है, सामान्यतः आप कंप्यूटर से ही पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, यहाँ पर हुआ है कैश ऑन डिलीवरी। भैया हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे सामान डिलीवर करो घर पर और हमसे पैसे लो। एक नई बात शुरू हुई, काफी वो सफर हो रहा है। क्या हमारी बहनें जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं? मैं चाहता हूँ लोग आएंगे आपके पास, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से महसूस करता हूँ जो शहरों के लोग सोचते हैं गाँव के लोग इससे कम नहीं सोचते। आपको उनको अवसर देने की जरूरत है, उनको पढ़ाइए, उनसे ई कॉमर्स कराइए, विकास की योजनाएं बताइए, पेंशन की योजनाएं बताइए, इंश्योरेंस की योजनाएं बताइए, और इसके अलावा और क्या है? मैं चाहता हूं कि आपके कंप्यूटर सेंटर में आपकी छोटी गरीब बेटी जो पढ़ना चाहती है उसमें आप पढ़ने की तरफ जगाइए, उसको अपने अपने सेंटर में बुलाइए। जो कंप्यूटर सीखना चाहती है मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, मैं जल्दी आपसे कहूंगा, आपसे आप सबों से कि एक घंटा क्या आप गांव की गरीब बेटियों को कंप्यूटर सिखाते हैं? आप देखेंगे नया नहीं पाता। ये पूरी कल्पना हम करना चाहते हैं, और मेरी कल्पना क्या है, डिजिटल इंडिया होगा जो अभी बताए कि हर जगह नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आ रहा है तो काफी संख्या में बैंडविड्थ मिलेगा, आपको जो बिजली की समस्या है, आपको कनेक्टिविटी की समस्या है उस पर बहुत कमी आएगी। 3 साल में उस काम को पूरा करने जा रहा है। मेरी कल्पना क्या है कि अगर कोई बड़े ही काम खोजना चाहता है, कोई बिजली का मिस्त्री काम खोजना चाहता है, कोई बाल काटने वाला है सर्विस चलाने वाला एक नया काम खोजना चाहता है, कोई राजमिस्त्री नया काम खोजना चाहता है, कोई हेल्थ वर्कर नया काम खोजना चाहती है, क्या आपका कॉमन सर्विस सेंटर वो सूचना का केंद्र बन सकता है? देखो भैया हमारे यहाँ ये जगह पर इस यहाँ पर अच्छे बड़े की जरूरत है, यहाँ पर अच्छे राजमिस्त्री की जरूरत है। जाओ तो अपना मोबाइल उठाओ, ये नोट करो, अपने काम के लिए आवेदन दो। चाहते हैं ये नया काम। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आज आपकी सफलता को देखकर मुझे सबसे खुशी है। सबसे खुशी ये हुई कि कहीं बिजली नहीं, कहीं इंटरनेट नहीं, फिर भी एक मेरी बहनों ने ये नहीं कहा कि हमारा काम कमजोर चल रहा है, हमारा काम आगे बढ़ रहा है, लोग आगे आ रहे हैं और हम और आगे कर रहे हैं। यही है आशा, इस आशा को आगे बढ़ना। आप बाकी रुपये हम ठीक करेंगे, जहां जहां जिस प्रदेश में बिजली नहीं है हम बात करें, हमारे प्रधानाधिकारी लोग बात करें, किसी ने कहा 1.5 लाख को 2.5 लाख करना चाहिए, और क्या जो पोस्टल की बात कही गई, हमारे 1.5 लाख गांव गांव में पोस्टल के छोटे डाकखाने हैं, उनको भी जोड़ना चाहते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। आप कॉमन सर्विस सेंटर है, आपको 2.5 लाख कर रहे हैं, वो 1.5 लाख वहां पर है, और गांव गांव में कंप्यूटर का सशक्तिकरण हम करेंगे। एक बात मुझे आपसे और कहनी, वो क्या बात, और प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम किया बेटी बचाओ, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा अभियान लेके चल रहे हैं, बेटियों के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं जो बेटी को तंग करने की बात करते हैं, बेटी को परेशान करने की बात करते हैं, उनसे मैं एक ही बात कहता हूं, अगर बेटी को मारोगे तो बहुत कहां से लगा, तो बहुत बेटियों को बचाना है ये हमारा अभियान, और उस अभियान को भी मोदी जी ने पानीपत में उद्घाटन किया। आपने देखा होगा बेटियों के लिए एक अलग से बचत योजना की हुई है, आप जमा करेंगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा उसके 11वीं क्लास में पढ़ने के बाद। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये हमारा अभियान। क्या हमारी बहनें जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं ये सारा कुछ अपने कंप्यूटर के माध्यम से अपने गाँव की बेटी और उनके माँ बाप को बता सकती हैं? बेटी बचाना जरूरी है देश के लिए, और अगर वैजंती बन सकती है, तमिजा बन सकती है, हमारे कश्मीर की बहन बन सकती है, हिंदुस्तान की हर आवाम बन सकती है।
है वो कॉमन कमीशन की तरह आएगी इस स्थिति को बताएगी। तो करने को बहुत कुछ है और आज इस त्यागी मुझे आपको बधाई है। मेरा आग्रह था कि मैं हिंदुस्तान के कॉमन सर्विस सेंटर के अपनी बहनों से मिलना चाहता हूं। आज मैंने देखा, आज मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूं। दो बात, मैंने एक और बात कही है अपने पदाधिकारियों को, जिस तरह इस देश में दूध की क्रांति हुई, आपको मालूम है अमूल की क्रांति हुई, तो बिहार में सुधा के नाम से काफी जगह पर, तो महिलाओं का कोऑपरेटिव बना और उन लोगों ने दूध निकालना, दूध जमा करना, दूध भेजना और सेंटर में शुरू किया। क्या हम डिजिटल इंडिया में महिलाओं का ऐसे ही कोई कोऑपरेटिव सहकारिता समूह चला सकते हैं? क्या हम वैजंती के अनुभव को अपील सकते हैं, उसने महिलाओं का ग्रुप बनाया? और दूसरी बात, हम कंप्यूटर के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बात करते हैं। मेरा उसका पैमाना क्या है मेरी बहनों? मेरा उसका पैमाना यह है, जब एक महादलित अथवा आदिवासी गांव में एक आदिवासी बहन या एक महादलित बहन कंप्यूटर चलाएगी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, सर्विस देगी, ये हम समझते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। गया में त्यागी जी ने विशेष प्रयास किया है कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए। हम चाहते हैं देश में और होना चाहिए। हम योजनाबद्ध तरीके से जो अति पिछड़े दलित आदिवासी क्षेत्र हैं वहां की अपनी बहनों को कंप्यूटर लिटरेट बनाए, उनसे कॉमन सर्विस सेंटर चलाए, ये बात मुझे कहना है। देखिए देश कैसे बदलता है, एक उदाहरण देखिए मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं बिहार से आता हूँ, पटना में मेरे एमपी फंड से एक सड़क बनी है गांव में, मैं उसका उद्घाटन करने गया। तो उस गांव की मुखिया मेरे कार्यक्रम को तो मैंने उसे परिचय पूछा, वो बिल्कुल सिल्क साड़ी में घूंघट में मंच पर बैठी हुई थी, उस गांव की बहू थी। तो रात दिया गया, वो जीत गई। मैंने कहा आज मैं तुम्हारा भाषण दूँ, जब तुम भाषण दोगे तभी मैं भाषण। सब तो मैं पहली बार मंच पर बैठी, हमने कहा मंच से काम नहीं चलेगा, आज जब तुम बोलोगी तभी मैं बोलूंगी। तो बहुत मैंने उसको दबाव डाला तो उसने कांपते हुए हमारा स्वागत किया बोला। उसके दो साल के बाद की बात है, लेकिन वो मुझसे मिलने आई, मैं मंत्री बन गया था, बधाई देने के लिए आई। नहीं सर हमको आप पहचाने, मैं चला मैं वही मुखिया हूँ तो दो साल पहले आपका स्वागत काटते हुए की थी, अब मैं मन से बोलती हूँ और कटाक्ष बोलती हूँ। हमने कहा तुम्हारा और वैजयंती आज मैं तुम्हारा अभिनंदन कर रहा हूँ। वैजयंती मेरी तरफ देख रही हो ना, जिस तरह तुम विश्वास से बोली हो, आत्मविश्वास से बोली हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहता हूँ ये आत्मविश्वास आगे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, हम सभी मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, यही संकल्प करिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।